आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखी थी और 20 लाख करोड़ का पैकेज देश भर के लिए लाए थे, उसी कड़ी में आज चौथी प्रेस वार्ता में नए क्षेत्र कौन से हमारे विकास के लिए हो सकते हैं, उसको लेकर क्या बदलाव, क्या रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, उसको लेकर आज हम आप सबके सामने आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज आया है उसके फोर्थ ट्रांच की बात करने वाले हैं, राइट। वो तो आपको वीडियो क्लिप देख करके पता चल ही गया होगा, लेकिन उस ट्रांच के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ डिटेल्स है जो आपको देना चाहूँगा। सो फार आपने जो ट्रांचेस पढ़े उन ट्रांचेस के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो फर्स्ट ट्रांच में हमने MSMEs को एक तरह से प्रमोट किया। सेकेंड ट्रांच में हमने पुअर मार्शल माइग्रेंट फार्मर्स जो है इनके बारे में बात करी, ठीक है, इनको कैसे प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्टमेंट की बात करी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अपलिफ्टमेंट में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ में वो भी ज़्यादा ज़रूरी था मान लें। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इन तीनों चीज़ों को देखूँ, इन तीनों पर्टिकुलर चांसेस को देखूँ, तो ये कहीं ना कहीं हद तक जो हमारे लोअर क्लास और हम कह सकते हैं कि एक मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनसे जुड़े जो बिजनेस है, उनसे जुड़े जो एम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में बात की गई थी। ये हमारी कंट्री का आप कह सकते हैं रूट है, राइट। ये हमने हमारे पास था रूट पोर्शन जिनको स्ट्रांगली बिल्डअप करने की कोशिश की गई, क्योंकि वो रूट्स हैं, क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर जो बिल्कुल मार्जिनल फार्मर्स हो गए या फिर जो बिल्कुल माइग्रेंट्स हो गए, ये बिल्कुल रूट पार्ट है। तो मतलब पहले तीन फ्रांचेस में हमने बात की थी कि आप अपने रूट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ताकि कभी ऐसा दोबारा कुछ भी हो तो आपकी रूट्स एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे अफेक्टेड है वो आपकी रूट हुई है, तो वो रूट को आपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। बट आज जो हमारे पास सेक्शन है, आज जो हमारा ट्रांच है, ये फोकस रूट तो ऑब्वियस सी बात है वो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका मेजर फोकस इंडिया को एक अलग डायमेंशन देना है ग्रोथ के सेक्टर में, राइट। मींस जो हम अपना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है यहाँ पे वो बात करने वाले, मतलब इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के ऊपर आज बात की जाएंगी। जो इन्वेस्टमेंट्स हम मेक इन इंडिया की हमेशा बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में नहीं आ पा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए बात की जाएगी। मतलब आज का जो ट्रांच है, इस ट्रांच में मेजरली हम बात करने वाले हैं उन सारे पॉइंट्स की, उन सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के हम डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को ग्लोबल कंपटीशन को मीट करने के केपेबल बनाएगी। अगर हम जब भी बात करते हैं सेल्फ रिलायंट बनने की, तो मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि देख मोदी जी, क्या अगर आप वैसे भी पढ़े, आपने सुना ही होगा कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन, इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है, और ये डेमोक्रेटिक नेशन अपनी सिक्योरिटी मतलब डिफेंस के लिए किसी और कंट्री पे डिपेंड रहे, ठीक है, दैट रियली डजंट साउंड नाइस। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री अपने दम पे खड़ी रहे, क्योंकि इतनी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके लिए जो आपका डिफेंस सेक्टर है या फिर जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस के सेक्टर है, उनको लिबरलाइज करना ज़रूरी है, उनके हाथ में ऑटोनॉमी देना ज़रूरी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। तो जो प्रेजेंट ट्रांच है वो इन्हीं कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, इनके ग्रोथ को आगे कैसे टारगेट किया जाएगा और कैसे इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को चेंज किया जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से सेक्टर्स को काउंट करने की बात की गई है। जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इस ट्रांच के अंदर न्यू होराइजंस ऑफ ग्रोथ की बात करेंगे, कि मतलब ग्रोथ के नए रास्ते क्या हो सकते हैं, नए डायमेंशंस क्या होती हैं, उसके लिए हमारे पास पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए हैं एट सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। कितने सेक्टर्स के अंदर पॉलिसी रिफॉर्म लाए गए हैं? एट सेक्टर्स के अंदर पॉलिसी रिफॉर्म्स आए गए हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं? कोल सेक्टर, राइट, मिनरल सेक्टर, सिविल एविएशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। सिविल एविएशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें, मतलब सिर्फ वैसे तीन अलग अलग हम पढ़ेंगे, बट तीनों के तीनों सिविल एविएशन का पार्ट है, दैट इज एयर स्पेस मैनेजमेंट, ओके,
मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ओवरहॉल्स, ओके, एंड स्पेस सेक्टर, हम इनके बारे में बात करेंगे उसी के अंदर, स्पेस, एयर स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर, एयरपोर्ट्स के बारे में और एमआरओस के बारे में, सिविल एविएशन में, डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ये हमने बहुत पहले भी बात की थी, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर कौन से होते हैं, डिस्कॉम, जो मैंने आपको ट्रांच वन में ही समझाया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे हुए हैं, जनरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में लगे हुए हैं, उस सेक्टर की बात की जाएगी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी और स्पेस सेक्टर। तो ये 8 सेक्टर हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन आज करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे ट्रांच 4 का पार्ट 1 है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में हम 4 जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 में हम बात करेंगे रेस्ट 4 जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, दैट इज कोल सेक्टर, ओके। सबसे पहला जो हमारे पास है कोल सेक्टर। कोल आपको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं 17th सेंचुरी की बात से लेकर आज तक की बात करूं तो आज तक भी किसी भी कंट्री के अंदर जो कोल है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इंडिया में तो अभी भी, खासकर क्योंकि अभी तक इंडिया प्रॉपर तरीके से सोलर पैनल्स और सोलर एनर्जी पे इतना ज़्यादा मूव नहीं कर पाया है, ठीक है। तो कोल हमारी कंट्री के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को आज भी बहुत ऊपर लेवल तक प्रमोट करता है और ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन स्टिल इंडिया, अगर आपको मैं एक स्टैट बताऊँ, एक डेटा बताऊँ, इंडिया के पास वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं कोल के, राइट। उसके बाद भी इंडिया को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगवाने पड़ते हैं, मतलब बाहर से कोल मंगाना पड़ता है। मतलब तुम्हारे पास ऐसा हो गया कि आपके पास खाने के लिए 10 रोटी ऑलरेडी है, लेकिन उसके बाद भी आप 3 रोटी मांग के खा रहे हो। क्या मतलब हुआ, 10 रोटी आपके पास है जिसे आप नहीं खा पा रहे किसी भी पॉलिसी या किसी भी वजह से, तो आप बाहर से 3 रोटी मंगा के खा रहे हो। तो सेम इंडिया की कंडीशन कुछ ऐसी ही है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, स्टिल इंडिया इज इंपोर्टिंग टू फीड देयर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया वो कोल सेक्टर में किया गया, इसको थोड़ा लिबरलाइज करने की कोशिश की गई है और थोड़ा और कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की गई है, ताकि जो इम्पोर्ट बिल हो सबसे पहले तो इस सेक्टर का वो कम हो सके। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, क्या क्या पॉलिसीज और क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट की, अब तक आपने सुना होगा गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी, किसके ऊपर, गवर्नमेंट की एक मोनोपोली थी कोल सेक्टर के ऊपर। इसका मतलब ये है कि कोल सेक्टर जो था अब तक सिर्फ गवर्नमेंट के हाथों में काम करता था, राइट। हाँ जी, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में काम करता था। बट अगर हम आगे बात करते हैं आपसे, तो अब गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर था वो सोल कंट्रोल में था गवर्नमेंट के पास, मतलब जितने भी कोल माइंस थी वो सारी की सारी ऑपरेशन करती थी गवर्नमेंट के अंडर। बट अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस सेक्टर को क्या किया जाएगा, इस सेक्टर को कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, जिसका मतलब है इस सेक्टर को प्राइवेट हैंड्स में लाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए और प्राइवेट सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। अब तक गवर्नमेंट क्या करती थी, अब तक गवर्नमेंट एक टर्न बेसिस पे अमाउंट चार्ज करती थी, बट अब गवर्नमेंट एक रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे काम करेगी, मतलब जो भी टोटल आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे उसका एक रेवेन्यू शेयरिंग परसेंटेज होगा। इट इज समवेयर अराउंड 0.25%, जो कि 10% तक के रेट पर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज यही किया गया है। देखो, किसी भी चीज को प्राइवेटाइज या प्राइवेट हैंड्स पे देने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझो, जब चीजें गवर्नमेंट मोनोपोली में होती हैं तो ऑफकोर्स ये बात है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो उस लेवल पे नहीं हो पाता, रेड टैपिज्म की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, आप सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जब वो चीज़ प्राइवेट के पास जाती है तो प्राइवेट, क्योंकि उनकी तो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, सो इसलिए गवर्नमेंट ने इस सेक्टर को प्राइवेट हैंड्स पे देने का फैसला लिया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि चाहे जितने भी गवर्नमेंट के पास रिजर्व्स हैं उनको ओपन किया जाएगा, किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कहा 50 न्यू कोल टॉक्स फॉर कमर्शियल माइनिंग विल बी ऑफर्ड इमीडिएटली। जो 50
नए कोड ब्लॉक्स है वो ऑफर किए जाएंगे, इमीडिएटली ऑफर किए जाएंगे प्राइवेट सेक्टर्स को, राइट। देन द अनटैप्ड कोल बेड मीथेन। नाउ व्हाट इज कोल बेड मीथेन? देखो जहाँ पे कोल रिजर्व्स होते हैं और आपको पता है कि प्लांट्स हो गए या फॉसिल्स हो गए, उनकी बहुत सालों की फ्रेगमेंटेशन के बाद जाके कहीं से कोल बनता है, तो जहाँ पे ये रिजर्व होते हैं वहाँ पे ये रिजर्व ऑटोमेटिकली एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, कोल बेड मीथेन गैस, ठीक है। तो ये जो गैस होती है ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी हद तक पूरा करती है। तो गवर्नमेंट के पास जो बेड्स हैं जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के पास थे अब तक, उनको भी बेचा जाएगा, राइट, उनको भी ऑक्शन में लगाया जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि 50,000 करोड़ का खर्चा किया जाएगा इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब ये क्या होता है, सपोज जब भी माइनिंग बिडिंग में ऑक्शन में आपने एक कोल माइन खरीद लिया, आप वहाँ पे गए, आपने माइनिंग करना शुरू किया और आपने कोल माइन से माइंड कोल निकाल लिया। अब ये माइंड कोल को फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है टू मेक इट यूजफुल फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पस। अब उसके लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स है इक्विपमेंट्स की, मशीनरी की, वो कहाँ से आएंगी? इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट उस इवैक्यूएशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर गवर्नमेंट 50,000 करोड़ का खर्चा करेगी, राइट। इसके बाद आपको पता ही होगा जो कोल है, कोल ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता, वो इको फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोल से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती जा रही है, और आपको तो पता ही है जिस हिसाब से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इंडिया का जो इको फ्रेंडली जो टारगेट है उसको किसी भी केस में डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा। मतलब जो कंपनीज कोल का गैसिफिकेशन करेंगी, नाउ व्हाट इज गैसिफिकेशन, कोल को डायरेक्ट बर्न नहीं किया जाएगा, राइट। केमिकल प्रोसेस होती है गैसिफिकेशन की, जिसमें हम करते क्या है, जिसमें हम कोल को गैसीफाई करते हैं, मतलब केमिकल उसको यूज करके उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इको फ्रेंडली बन सके। तो इससे कि गैस ओरिएंटेड इंडिया का जो प्लान है वो भी पूरा हो पाएगा, प्लस आपके एनवायरनमेंट को भी किसी तरह का नुकसान इससे नहीं होगा, राइट। इसके बाद ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट की चाहे एक्सप्लोर्ड माइंस है, चाहे गवर्नमेंट की जो पार्शियल एक्सप्लोर्ड माइंस है, वो सारी ऑप्शन के लिए दी जाएंगी, ठीक है। एक टाइम लिमिट सेट की जाएगी, अगर उससे पहले आप अपनी प्रोडक्शन अकम्प्लिश करते हैं तो उन प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा। तो यहाँ पे दो इंसेंटिवाइज किए जा रहे हैं, एक तो टाइम से पहले काम पूरा करने पे, और दूसरा जब आप इको फ्रेंडली हो करके अपने काम को करेंगे, मतलब गैसिफिकेशन की प्रोसेस में। उसके बाद क्या है, अब देखो इससे फायदा आप सोचो क्या होने वाला है। पहले सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, अब गवर्नमेंट ने अपने जो कोल के जो भी माइंस हैं उनको प्राइवेट कंपनी के लिए ऑफर कर लिया। पहले ये होता था कि कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को ही ऑक्शन में जाने के लिए ऑप्शन था, अब किसी के लिए भी है, मतलब कोई भी जाके कोल माइंस में, कोल माइंस की ऑक्शनिंग में कोल माइंस को परचेज कर सकता है, प्रोक्यूर कर सकता है और उनको मार्केट में बेच सकता है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा मोर नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो इस सेक्टर में एंटर करेंगी। जब ज़्यादा फर्म्स इस सेक्टर में एंटर करेंगी तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की वजह से सप्लाई कंट्री की बढ़ेगी एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द मार्केट प्राइस। तो इसकी वजह से मार्केट प्राइस कोल का जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, जो कि ऑटोमेटिकली कंपनीज के लिए फायदा है, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कटिंग होती है तो ऑफकोर्स कॉस्ट कटिंग तो आपके लिए एक बेनिफिट है ना, क्योंकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के दो तरीके, या तो मैं प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दूँ जो कि बड़ा पॉसिबल मुश्किल ही हो पाता है, लेकिन एक तरीका क्या है, कॉस्ट को कम करना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं कंपनी की कॉस्ट जो है कम जाएगी, प्लस गवर्नमेंट के पार्ट पे भी फायदा है, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो अनटैप्ड चीज़ें हैं जो इंपोर्ट पे अब तक तुम पैसा खर्चते जा रहे थे, क्योंकि इतने बड़े रिजर्व्स के बाद भी इंपोर्ट पे पैसा खर्चना था क्योंकि वो अनटैप्ड था, तो अब आप उनको टैप कर पाओगे तो उधर से इम्पोर्ट बिल भी कम होगा। तो ये डोमेस्टिकली मतलब इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिट है, इंडस्ट्रीज के लिए भी बेनिफिट है और गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है, राइट। तो ये सेक्टर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि कोल सेक्टर में अडॉप्ट किए गए थे। अब हम बात करते हैं माइनिंग सेक्टर के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई है। तो सबसे फर्स्ट थिंग देखिए, एक्चुअली ऐसा था आपका क्या होता था कि जब हम बात करते थे माइनिंग की तो एक्सप्लोरेशन कोई और करता था, प्रोडक्शन कोई और करता था, प्रोसेसिंग कोई और कर रहा था। अब जिससे कि हर छोटे छोटे काम कोई और करेगा तो जो अल्टीमेट बेनिफिट है वो भी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा।
इसमें गवर्नमेंट ने कहा एक सीमलेस कंपोजिट स्कीम आएगी, प्रोसेस आएगा, जिसमें एक ही पर्सन या एक ही इंडस्ट्री जो है वो ये सारे काम करेगी। जब एक ही इंडस्ट्री ये सारे काम करेगी तो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, जिसके लिए 500 माइनिंग ब्लॉक्स वुड बी ऑफर्ड थ्रू एक्शन ऑक्शन बाय अमेंडमेंट्स टू माइंस एंड मिनरल्स एक्ट MMDR, राइट। वो कह रहे हैं कि देखो MMDR एक एक्ट था, ठीक है, इस एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी, ये 1951 में ही अडॉप्ट किया गया था, तो इस 1955 में अडॉप्ट किया गया था, इस एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी, और इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद जो माइनिंग ब्लॉक्स है वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। देखो ऐसा था कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हैंड्स में थी और पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज इसके लिए काम करती हैं, तो आप बिना अपने एक्ट जो पास किए उनके अमेंडमेंट्स को, बिना उनको अमेंड किए कोई भी चीज़ इजीली मार्केट में नहीं ला सकते। तो पहले MMDR जो एक्ट है इसको अमेंड किया जाएगा, अमेंड करने के बाद क्या होगा, उसके बाद जो 500 माइनिंग ब्लॉक्स गवर्नमेंट के पास है उनको ऑक्शन के लिए मार्केट में लाया जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, अब आपसे ये कहा है कि देखो ऐसा होता था कि जो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए बॉक्साइट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो आप उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर को करना क्या पड़ता था, पहले वो बॉक्साइट लेने जाता था, बॉक्साइट लिया, पहले तो वो सारे जितने भी बॉक्साइट ट्रेडर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करेगा, तो सबसे कॉन्टैक्ट किया, बॉक्साइट परचेज करके लेके आएगा। अब इन केस उसके पास बॉक्साइट काम में नहीं आया क्योंकि उसे कोल भी चाहिए, ठीक है, फिर वो कोल के लिए ढूंढेगा, तो होता ये था प्रोड्यूसर के साथ उसका लॉस के बॉक्साइट भी आ गया, कई बार ये रॉ मटेरियल सारा रेंज हो गया लेकिन कोई एक चीज़ नहीं मिली, कोल नहीं मिल पाया किसी पर्टिकुलर जगह से, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मटेरियल तो है बट वो प्रोसेस नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को भी दूर किया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब जो ऑप्शन होगा उसके अंदर बॉक्साइट और कोल का जॉइंट ऑप्शन होगा, मतलब यू विल हैव बॉक्साइट एंड कोल ऑल टुगेदर, ठीक है। सो उसको आप अपने किसी भी पर्पस के लिए कैसे भी यूज कर सकते हो, राइट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास कोल है, कोल को कोल को क्या कर सकते हो, गैसीफाई कर सकते हो और अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे है कि जॉइंट ऑप्शन होगा बॉक्साइट का, उन्हें वही बात होगी ना, एक तरीका हो गया कि आपको अपने लिए पूरा एक अटायर चाहिए, आपको अपने लिए अटायर चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, शूज भी चाहिए, वॉच भी चाहिए, परफ्यूम भी चाहिए, ठीक है, हेयर स्प्रे सब कुछ चाहिए। अब एक हो गया कि आप सिर्फ जीन्स वाले के पास जा रहे हो, एक हो गया फिर इधर जा रहे हो, इससे बेटर एक शोरूम में जाओ, आपको सब मिल जाएगा, इट विल डेफिनेटली रिड्यूस योर टाइम, आपका टाइम भी लगेगा और बार बार जो इधर उधर घूमने में एक्सपेंसिस लगते हैं वो भी बचेंगे, तो सर्चिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली बातें कम हो जाएगी, तो यहाँ से भी कॉस्ट कटिंग आई है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा है, अमेंडमेंट जरूरी, अगेन अमेंडमेंट 1957 का जो एक्ट था माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसमें अमेंडमेंट की जाएगी, किस चीज़ के लिए, कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस का डिफरेंस अलग कर दिया जाएगा, मतलब अब से कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट, कैप्टिव माइंस क्या होती है, सपोजिटली मैंने गवर्नमेंट से फॉर्म वगैरह फिल करके और अपना रिसोर्सेज को यूज़ करके एक माइन खरीद लिया, ठीक है, अब वो माइन मेरे लॉन्गर यूज में नहीं रहा, मतलब मैं उसमें से जितना आउटपुट निकालता हूँ निकाल लिया, ठीक है। और इसमें ये एक्ट क्या कहता था कि जो माइन तुमने खरीदी है उसका मटीरियल उसका सब कुछ सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम उसको बाहर बेच नहीं सकते। ये माइन उनको दी जाती थी जो बड़े बड़े जैसे आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाटा वगैरह हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है, टिस्को हो गया, उन सबको दी जाती थी उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन दे आर नॉट अलाउड टू सेल देयर मटीरियल आफ्टर देयर यूज, कि भाई तुम्हारे यूज के बाद जो भी रेजिड्यू बच गया, जो भी बचा हुआ है, तुम्हें अलाउड नहीं था उसको बेचना। तो गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट की क्योंकि उनका तो लॉस है, क्योंकि उन्होंने जितना जूस में था वो ले आए, अब वो क्या करें, जो बचा हुआ है, जो सरप्लस है उससे बेनिफिट हो सकता था लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं कर रखा था, तो इस एक्ट को अमेंड किया जाएगा, कैप्टिव और नॉन कैप्टिव, नॉन कैप्टिव में मतलब आपको अलाउड था बेचना, कैप्टिव में अलाउड नहीं था। गवर्नमेंट ने कहा है आप माइन खरीदो, माइन खरीदने के बाद जितना भी आपके आउटपुट यूज में आप उसे यूज करो, रेस्ट यू कैन सेल इट
टू द मार्केट, आप उसको मार्केट पे बेच सकते हो। अफकोर्स जब आप मार्केट पे बेचोगे तो आपका पर्पस वहाँ से भी सॉल्व हुआ, कुछ पैसा तो आपको वहाँ से भी इंडस्ट्रीज फॉलो लग जाएगा। तो इसलिए कैप्टिव और नॉन कैप्टिव जो माइंड्स हैं उनके डिफरेंस को हटा दिया गया, दोनों सेम चीज़ें हैं, राइट? ठीक है, प्लस साथ में ये भी था इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर मैंने माइन खरीद ली है तो उसको बेचना भी बड़ा मुश्किल था। गवर्नमेंट ने उसके बेचने पे भी जो रिस्ट्रिक्शन थे वो रिमूव कर दिए, अगर आपके यूज में नहीं है तो यू कैन सेल, आप उसको सेल कर सकते हैं, राइट? एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विल कम अप विद मिनरल्स इंडेक्स फॉर डिफरेंट मिनरल्स। अभी गवर्नमेंट कह रही है अभी कौन से इंडेक्स आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है मिनरल्स को एक तरह से उनकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए मिनरल्स इंडेक्स निकाले जाएंगे। ठीक है, अभी आए नहीं है, जब आएंगे तब उनकी बातों में बात करेंगे। ठीक है, एंड रैशनलाइजेशन स्टैम्प ड्यूटी टेबल एट द टाइम ऑफ अवार्ड ऑफ माइनिंग लीज। जब आपको पता होगा स्टैम्प ड्यूटीज क्या होती है, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करवाते हो, ठीक है, कोई भी डीड फॉर्म करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है ना, तो वो स्टैम्प ड्यूटी जब आपको माइनिंग के लिए लीज, माइनिंग लीज के लिए दी जा रही होगी तो उस टाइम पे उस स्टैम्प ड्यूटी को रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रैशनलाइज का मतलब है उस ड्यूटी को कम किया जाएगा, मतलब कम पैसों में आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो आराम से काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेक्टर जो हमारा चेंज किया गया वो डिफेंस। एज आई टोल्ड यू कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी और पे डिपेंड हो जाए, सो दैट इज अब्सर्ड। ये बहुत अजीब सी बात लगती है कि इतना बड़ा देश होने के बाद आप किसी और देश पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, और स्टैंडिंग आर्मी इंडिया की आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बड़ी है, तो जो नेक्स्ट चेंजेस आए गए हैं वो किसमें लाए गए हैं, इंडिया के डिफेंस सेक्टर के अंदर, ताकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना जा सके। सेल्फ रिलायंट का मतलब आप समझते हैं, मेक इन इंडिया को अडॉप्ट किया गया था, मतलब आप सब चीज़ों को इंडिया में बनाओ। आप सेल्फ रिलायंट कब बनेंगे, सेल्फ रिलायंट आप तब बनेंगे जब मैक्सिमम चीज़ें आपकी कंट्री अपने ओन पे प्रोड्यूस करेगी, मतलब लेसर इम्पोर्ट्स के साथ। तो वहाँ से हमने कोल के इम्पोर्ट्स को खत्म कर दिया, क्योंकि जब हम अपनी अनटैप्ड माइंस को यूज़ करेंगे तो जो कोल की रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिकली पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर माइंस को ओपन अप करने से भी फायदा क्या होगा, इंडस्ट्रीज का जो बहुत सारा कॉस्ट लगता था इरिस्पेक्टिव जगहों पे वो कॉस्ट रिड्यूस होगा, प्लस उनको अथॉरिटी देने से कि वो अपने आउटपुट को बेच सकते हैं वहाँ से भी फायदा होगा। अब बात करते हैं डिफेंस के सेक्टर की, कि डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या चेंजेस आए गए हैं। अगेन सेल्फ रिलायंट रहा तो इसमें भी इम्पोर्ट को कम करना पड़ेगा। सबसे कुछ तो पहले पॉइंट्स जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है, इंडिया ऑलमोस्ट 60% डिफेंस इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग मेट थ्रू इम्पोर्ट्स। मतलब जितना भी डिफेंस रिक्वायरमेंट है इंडिया का उसका ऑलमोस्ट 60% इंडिया अपना इम्पोर्ट से पूरा करता है। तो 60% आप इम्पोर्ट से पूरा करते हो तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इंडिया का एक शेयर कहाँ पे जाता है, इम्पोर्ट में जाता है। एज पर द डेटा पब्लिश बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, दैट इज सिप्री। देखो सिप्री क्या है, सिप्री एक आप कह सकते हो जैसे USA के इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेट कर रखे हैं, वैसे ही सिप्री भी एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस तरह की रिसर्च पब्लिश करता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिफेंस रिलेटेड जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डेटा होता है वो सिप्री पब्लिश करता है। तो इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट विद 11.75% ग्लोबल शेयर फ्रॉम 2011 टू 2018। मतलब इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है वर्ल्ड में किसका, डिफेंस के इक्विपमेंट्स का। ठीक है, वो क्यों है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, रीजन क्या है कि इंडिया इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, फिलहाल वो कंसर्न नहीं है। तो कितना करता है, 11.75% शेयर। इवन आपको ये बात मैं एक और बताऊं कि 2018 में 2019 के आसपास का जो डेटा आया था, ये 2018 ऑफिस बात है मई तक का होगा, इंडिया फोर्थ नंबर पे भी आ गया था। अब इंडिया से सबसे आगे कौन है, सऊदी अरब है वर्ल्ड के अंदर जो टॉप है रैंकिंग के अंदर। ड्यूरिंग 2001 टू 2011 इंडिया डिडंट मेक एनी नोटिसेबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड स्टूड 37th रैंक आउट ऑफ 74 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, कि 2001 से लेकर 2011 तक के डेटा की बात करें तो इंडिया 37th रैंक पे था, जो कि ऑब्वियस ही बात है कोई भी ग्रोथ नहीं थी। बट अ नोटिसेबल प्रोग्रेस इन पीरियड फ्रॉम 2014 टू 18, लेकिन 14 से लेकर 18 में एक बहुत नोटिसेबल ग्रोथ इंडिया की आई, एंड दैट वाज 24 इन 2018 विद अ शेयर ऑफ 0.17%। अगर मैं आपसे 2011 से 2001 से 11 के शेयर की बात करूँ तो दैट वॉज ओनली 0.1%।
अब 0.1% से 0.17% पे आ गए। देखो 0.17% ऑफ कोर्स वैसे भी कुछ नहीं है, बट 0.1% से 0.17% आना अपने आप में बहुत बड़ी एप्रिसिबल ग्रोथ है। तो इंडिया का ये कुछ डेटा पब्लिश हुआ था। बाकी ये भी तो आ गया लास्ट दो सालों में, 2016 से लेकर 17 और 2018 से 19 के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो जंप हो गया 700% पे बढ़ गया था, मतलब 2000 करोड़ से 17000 करोड़ तक पहुंच गया था। अब इसकी वजह क्या है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के अंदर जो कि जगह जगह पे पीएम मोदी ने अलग अलग तरीके के एक्सपोज अरेंज किए थे, उस पर ये साफ साफ कहा गया था कि इंडिया अब अपनी कंट्री में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाने की कोशिश करेगा और उसी की वजह से रिजल्टिंग फ्रॉम दैट इंडिया का ये जो डेटा है इस लेवल पे आ रहा है। अब देखते हैं रिफॉर्म्स क्या है। पहला, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, मेक इन इंडिया इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एज प्रपोज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। आपने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, यही मेन मुद्दा है इन ब्रांचेस का। तो ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपको मेक इन इंडिया को तो ऑब्वियसली बात है उसका कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलना पड़ेगा, वन दे शुड गो हैंड इन हैंड, साथ साथ चलाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए सबसे फर्स्ट थिंग कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट विल पुट अ लिस्ट ऑफ वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कुछ वेपन्स और प्लेटफॉर्म समझते हैं सॉर्ट ऑफ लॉन्च पैड्स होते हैं जिन पे जो आपके वेपन्स होते हैं उनको माउंट किया जाता है ताकि फर्दर उनसे जो भी एक्शन है, आपने देखो वो मशीन गन के लिए अलग से स्टैंड आता है जिसमें वो सारी की सारी जो बुलेट्स हैं वो रोटेट होती हैं, तो वो उन्हें प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है जिस जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके किसी भी वेपन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे 127 आइटम्स की लिस्ट बनाई जाएगी जिनको सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही खरीदा जाएगा। मतलब अब तक जो आप बाहर से खरीदते थे वो सारा सामान जो है वो इंडिया से ही खरीदा जाएगा। प्लस साथ में गवर्नमेंट ने ये कहा है उनके बाहर से खरीदने पे, मतलब उनके इंपोर्ट पे बैन कर दिया जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ रोका जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा दैट यू आर नॉट अलाउड टू परचेज दोज आइटम्स एज लिस्टेड इन दिस 127 आइटम्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको बाहर से बिल्कुल भी नहीं खरीदना होगा। और गवर्नमेंट ने कहा है ईयर बाय ईयर ये लिस्ट बढ़ती जाएगी, मतलब इसमें आइटम्स को हम बढ़ाते जाएंगे अपनी बिल्डिंग कैपेसिटीज के हिसाब से, अपनी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको बढ़ाते जाएंगे। मतलब ईयर बाय ईयर हमारा इम्पोर्ट बिल कम किया जाएगा किसके ऊपर, डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट के ऊपर। राइट, सेकेंड बात करते हैं, a provision is made to defense budget to procure a percent only for Indian made defense item। जैसे कि अब बजट बनता है तो बजट में कुछ पोर्शन ऐसा होता है ना जो कि आर्म फोर्सेस का दिया जाता है कि भाई आर्म फोर्सेस के लिए डिफेंस के लिए इतना बजट है। जो भी बजट डिफेंस के लिए बनेगा, राइट, मान लो मैंने आपसे कहा 1000 रुपये का बजट बना, 1000 रुपये में से ये कहा गया कि 300 रुपये जो है वो किसको दिए जाएंगे, डिफेंस सेक्टर को दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 300 रुपये डिफेंस सेक्टर को दिए जाएंगे उसमें से भी एक परसेंटेज जो होगा वो सिर्फ इंडिया से परचेज करने के लिए होगा। मान लो कहा गया 10%, मतलब 300 रुपये डिफेंस सेक्टर का बजट है, उस 300 में से 10% मीन्स 30 रुपये खर्च किए जाएंगे सिर्फ इंडिया के बनाए हुए वेपन्स और जितनी भी चीज़ें उसके ऊपर। राइट, ठीक है, जो कि बहुत बहुत गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगा इंडिया के लिए। द स्पेयर पार्ट्स, आज तक इंडिया क्या करता था, अपने स्पेयर पार्ट्स भी जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स के स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो चाहिए होते थे वो भी इंडिया बाहर से लेता था, उनको भी इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको भी इंडिया में ही बनाया जाएगा। दैट इज इंडिजनाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेड पार्ट्स। इंडिजनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडिजनाइजेशन का भारतीयकरण, इसका मतलब है चीज़ों को इंडिया में ही बनाएंगे, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। राइट, इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। सी, गवर्नमेंट ने भी कहा, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन एंड इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेटाइजेशन। कॉर्पोरेट्स, जब भी आप वर्ड सुनते हो कॉर्पोरेट्स तो आपको एक हायरार्की समझ में आती है कि भैया टीम लीडर होगा, उसके नीचे 20 लोग काम कर रहे होंगे, टीम लीडर के ऊपर एक बॉस होगा, उसके ऊपर एक बोर्ड बैठा होगा। बॉट मतलब आपके दिमाग में कॉर्पोरेट, जैसे कॉर्पोरेट वर्ड आता है ना एकदम वेब आ जाता है पूरा, कि ये मतलब एक हायरार्की के ये सुपीरियर फिर उसका ये सुपीरियर उसका ये सुपीरियर, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, प्रिसाइसनेस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इतने सारे सुपीरियर होंगे तो वी नीड टू आंसर, वी हैव टू आंसर, तो हम अपने आप ही अपने काम को अच्छा करते हैं।
तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंडिया की 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज हैं उनको कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, मतलब उनके लिए उनके काम करने के तरीके को बदला जाएगा। अभी तक गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट तो करेगी, प्राइवेटाइज नहीं कर रहे उनको, कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं, मतलब उनके स्ट्रक्चर को बदला जाएगा, जिससे कि मैनेजमेंट टीम को एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पर्टिकुलर हर वर्कर के अंदर हर फैक्ट्री में बढ़ेंगी। और साथ ही साथ में अभी तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो थी उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं किया गया था, या उसके जो शेयर थे वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास थे। अब नॉर्मल सिविलियंस के लिए, हम सिविलियंस के लिए भी उनके शेयर्स मार्केट में आपको अवेलेबल होंगे। ये दोनों के लिए फायदा है, पहला फायदा हमारे लिए कि हमारे पास भी अब इन कंपनीज के शेयर्स आ सकते हैं, दूसरा फायदा गवर्नमेंट के लिए क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक ह्यूज सोर्स ऑफ कैपिटल आ सकता है बाय लिस्टिंग इट टू स्टॉक मार्केट। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेजर स्टेप लिया है ताकि इनकी जो फंक्शनिंग है उनको ठीक किया जा सके। फिर FDI लिमिट, देखो FDI समझने पहले जिन लोगों को नहीं पता, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई भी फॉरेन से कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नाउ व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, समझना ध्यान से। वो पर्सन किसी इस कंपनी के एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहा, मतलब से मान लो इलॉन मस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडिया में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, एरोस्पेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर के, वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो अपनी खुद की एक कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, खुद का जो स्पेस एक्स का सेटअप है वो इंडिया में स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसमें फुल कंट्रोल उसी पर्सन के हाथ में होता है जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो पूरे शेयर्स नहीं खरीदता, राइट। जबकि एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसमें हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ऑब्वियसली बात है वो आए उन्होंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट ये भी है बट इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा है FDI लिमिट क्योंकि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है फॉरेन से रोकने की जो वजह थी वो यही थी कि 49% थी डिफेंस सेक्टर में, अब वो बढ़ा के 74% कर दी गई है। अब जैसे ही आपने 74% करी तो वैसे ही इंडिया एक बहुत ज़्यादा प्रस्पेक्टिव मार्केट बन के साबित होता है सबके लिए, तो ज़्यादा नंबर ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे विद दिस परसेंटेज, राइट। गवर्नमेंट ने कहा है PMU स्टैब्लिश किए जाएंगे, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। क्यों, देखो ऐसा होता है कि कोई डिसीजन इंडिया में आता है और वो फिर आता है और वो आता ही रहता है, कब तक पता नहीं, 6-6 साल, 5-5 साल, 4-4 साल हो जाते हैं, जैसे रेफरल डील आपको पता ही है कितने साल पहले हुई फिर जाके कब जाके अकम्पलिश हुई। तो ऐसा ना हो, कोई भी डील इतनी डिलेड ना हो जाए ताकि उसके जो डिलेड होने के जो चांसेस है उसको रोका जाएगा, उसके लिए PMU स्टैब्लिश किया जो कि इंश्योर करेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, ठीक है। रियलिस्टिक सेटिंग ऑफ जनरल स्टाफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेपन्स एंड स्टाफ प्लेटफॉर्म। नाउ व्हाट इज, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड जनरल स्टाफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स। अगर आप एक वेपन डीलर बनना चाहते हो, ठीक है, मान लो आपने सारे प्रोसीजर्स को पूरा करके आप एक वेपन डीलर बन गए, ऑथराइज्ड वेपन डीलर बन गए, अब आप आर्मी वालों से कहोगे कि भाई मुझे आप ऑर्डर दो, ठीक है। अब जब ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले एक इन्वॉइस होता है ना, जिस इन्वॉइस में सब कुछ मेंशन होता है कि भैया आपका क्या क्या है परफॉर्मेंस, जिसे आप बोलते हो कि भैया कैटलॉग दो, क्या तुम बेचते हो, कैसे बेचते हो, क्या टेक्निक यूज करते हो, दैट इज सेम जनरल स्टाफ क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स GSQRs। GSQRs पूरी एक लिस्ट होती है जो ये बता दी कि क्या क्या आपका स्टाफ की चीज़ें होनी चाहिए, क्या फैक्ट्री में होना चाहिए, क्या वेपन्स में होना चाहिए, क्या साइज होगा, क्या शेप होगा, क्या टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं, कितना ऑटोमेटिक होना चाहिए, कितना मैनुअल होना चाहिए, वो सब कुछ होता है। अब मैं होता ये था कि ये ढंग से काम नहीं कर पाता था, मतलब आपने वेपन बनाया फिर आपने पूछा कि भाई ये चीज़ यहाँ से काम करेगी, वो वहाँ से काम करेगी, तो एक पर्सन ने पहले तो बनाया, उसके बाद उसने उस मतलब जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा नहीं किया, सब वेस्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा रियलिस्टिक सेटअप किया जाएगा जिसमें प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे, मतलब एक प्रॉपर तरीके से हर चीज़ का पहले से एक परफॉर्मर होगा, कैटलॉग होगा, आप उसी के नीड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी कि पहले आप कर लें और फिर आप टेस्टिंग एंड ट्रायल्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर ओवरऑलिंग ट्रायल टेस्टिंग प्रोसीजर्स, अब ओवरऑलिंग ट्रायल टेस्टिंग प्रोसीजर्स क्या है, ओवरऑलिंग का मतलब होता है रिपेयर करना किसी चीज़ को, जो टूट फूट हो गया उसकी रिपेयर करना, ठीक है, और उसको फिक्स करना,
तो ओवरऑल इन ट्रायल एंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स पे गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी टूट फूट रिपेयर्स वगैरह होगी वो सारी इंडिया के अंदर ही की जाएगी, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया जाएगा, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर डिफेंस सेक्टर। अब मैंने आपसे कहा था सिविल एविएशन में तीन सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से? एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स एंड मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरहॉल। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ध्यान से समझना है। तो वन बाय वन सबको समझते हैं। पहले देखते हैं एयर स्पेस मैनेजमेंट के केस में क्या किया है गवर्नमेंट ने। सबसे पहला देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, ठीक है। लेकिन इंडिया अपने एयर स्पेस का सिर्फ 60% यूज करता है। व्हाट इज एयर स्पेस? देखो भाई, जमीन तो हमें दिखाई देती है यहाँ तक है, यहाँ तक है, आसमान तो नहीं दिखाई दे रहा, तो आसमान में भी तो हमारा कुछ पोर्शन होगा, तभी तो फ्लाइट्स उड़ रही हैं। तो एयर का मतलब जिस घर पे आप रहते हो उस घर से ऊपर तक एयर का और इधर उधर तक कितना एयर का पोर्शन एक कंट्री के पास है वो एयर स्पेस से डिसाइड होता है, ठीक है। 20 नॉटिकल माइल्स, देखो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप वीडियोस में जाके देखना, आपको वीडियोस में मिल जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट। जैसे कंट्री के पास लैंड प्लस कुछ वाटर पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाटर पोर्शन 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, राइट। इसको तीन पार्ट में 12 फिर 200 में डिवाइड किया जाता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स जो टेरिटोरियल वाटर का पोर्शन होता है, उस पोर्शन से लेके ऊपर तक का जितना भी कंट्री का आपका एरिया है, मतलब आपके मैप के ऊपर जितना आपका एरिया दिखाई देगा वो वाटर्स को इंक्लूड करके वो आपका एयर स्पेस होगा, ठीक है। ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड हुआ था शिकागो कन्वेंशन, ठीक है। शिकागो कन्वेंशन एक डील हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि कंट्री का जो एयर स्पेस है वो कैसे डिसाइड होगा, कैसे अमेंड होगा, ठीक है। अब हम देखें तो इंडिया सिर्फ 60% स्पेस को अवेलेबल करवा, मतलब अब यूज कर पाता है, जो फ्रीली अवेलेबल है, जो दे रखा है, मतलब यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी में वो डिफेंस के ट्रायल्स वगैरह इन सब चीज़ों की बातें करते हैं, जिससे कि होता यह है कि इंडियन फ्लाइट्स को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बहुत लंबे रूट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑब्वियसली बात है जितनी भी है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी और इवेंचुअली वो कस्टमर को भी नुकसान देगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब और एयर स्पेस को अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सके, जिससे कि सिविल एविएशन में बूस्ट आ सके, ठीक है। और अब देखो साफ और सीधी बात यह है कि जब शॉर्टेस्ट रूट के थ्रू ट्रैवल किया जाएगा तो उससे फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। फ्यूल कंजम्पशन कम दो चीज़ों पर बेनिफिट देगा, एक तो इको फ्रेंडली, जितना फ्यूल कम बर्न होगा उतना कम आपके गैसेस एमिट किए जाएंगे, साथ ही साथ में आपका इंपोर्ट भी कम होगा। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि इस डायरेक्शन में लिया गया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टार्ट ऑक्शनिंग ऑफ 6 मोर एयरपोर्ट्स। आपको पता होगा गवर्नमेंट ने पहले ही अपने 3 एयरपोर्ट्स को ऑक्शन किया था, ठीक है। अब गवर्नमेंट और ऑक्शन कर रही है किसके थ्रू? PPP, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब अभी तक जितने भी एयरपोर्ट्स के अंदर मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ये जितना भी चीज़ें होती थी गवर्नमेंट करती थी, गवर्नमेंट अब इसकी ऑक्शनिंग कर रही है, मतलब इनके मेंटेनेंस, रिपेयर, रिन्यूअल्स के ऊपर जितना भी खर्चा आएगा और जितना भी चीज़ें होंगी वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू होंगी। और जहाँ चीज़ें प्राइवेटाइज हो जाती है, मतलब जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ये आप सब समझते हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑटोमेटिकली एनहेंस कर दी जाती है। तो इसलिए PPP मोड के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अपने 6 और एयरपोर्ट जो हैं उनको बहुत जल्दी किस में लाएगी? PPP मोड के थ्रू लेके आएगी, ताकि जितना भी उसके अंदर ओवरहॉलिंग प्रोसेस है वो सारा उनको दिया जा सके और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी को कस्टमर्स के लिए अवेलेबल करवाया जा सके। आगे गवर्नमेंट कह रही है आगे हम और भी करेंगे, फिलहाल 6 आगे और भी गवर्नमेंट करने के प्लान में है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने कहा एस्टैब्लिशिंग इंडिया एज अ ग्लोबल MRO, ठीक है। इसके अंदर क्या है, देखो क्या था कि MRO क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। होता क्या है कि इंडिया में जो टैक्स रेज्यूमी है वो टैक्स रेज्यूमी की वजह से प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट के बहुत हाई होने की वजह से जो भी फ्लाइट, जैसे मान लो कोई भी फ्लाइट USA से आ रही है और साउथ एशियन कंट्रीज में जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में जा रही है, तो वो इंडिया आती है लेकिन अपने मेंटेनेंस के लिए इंडिया में नहीं रुकती, क्योंकि इंडिया की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई थी, बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से इवन इंडिया के एयरक्राफ्ट भी अब्रॉड जाकर के अपनी मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर पार्ट पर खर्चा करते थे।
तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब इंडिया के पास सारा स्किल्स सारे लेबर हैं तो इस रेज्यूमे को बदला जाएगा और इंडिया को क्या बनाया जाएगा, इंडिया को एक ग्लोबल एमआरओ सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर अब एक बेस बनाया जाएगा जहां पे जितने भी एयरक्राफ्ट है, और वो एयरक्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, मतलब सिविल एयरक्राफ्ट नहीं, जो भी डिफेंस के एयरक्राफ्ट है उनको भी इंडिया के अंदर ही रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए रखा जाएगा। मतलब अब इसकी वजह से कहा जा रहा है कि इंडिया का 30-40% जो खर्चा जो रिपेयर्स और रिन्यूअल मतलब एमआरओ में होता था वो खर्चा वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि आप समझो होता क्या था कि भाई इंडिया का एयरक्राफ्ट है, ये जाते थे कहाँ पे अपने रिपेयर्स के लिए, श्रीलंका, मलेशिया, राइट, और आपका सिंगापुर, यूएई, इन सब कंट्रीज में जाते थे अपने रिपेयर्स और रिन्यूअल्स के लिए। सोचो ये वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके पूरा एमआरओ करवाया, मतलब जो भी मेंटेनेंस वगैरह है, क्योंकि मेंटेनेंस तो ऑब्वियसली बात है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक फ्लाइट इतने लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी तो ज़रूरी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। वहाँ पे गई, मेंटेनेंस कराया, वापस भी आ गई, तब भी इतना खर्चा नहीं आया जितना खर्चा सिर्फ इंडिया में ही एमआरओ पे आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है इस रेज्यूमे को बदला जाएगा और इंडिया के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी कि इंडिया एक ग्लोबल एमआरओ बन सके, कि वर्ल्ड क्लास लेवल से, वर्ल्ड लेवल से एयरक्राफ्ट, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो आर्मी हो, वो इंडिया में ठीक किए जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज का जो ट्रांसफर मैंने आपसे कहा था इसमें पार्ट ए में हम सिर्फ चार के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट ट्रांस पे हम बात करेंगे बाकी चार सेक्टर्स और उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।